नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के पहले चरण में होने वाले निर्वाचन के लिए तीसरे दिन नामांकन पत्र क्रय व नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अपनाई गई। चुनाव को लेकर गतिविधि अब तेज हो चुकी है। विभिन्न पदों के लिए न सिर्फ अब नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं बल्कि नामांकन भी जारी किया जा रहा है। लोहरदगा जिले में तीसरे दिन 10 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किया है। वहीं नामांकन प्रपत्र खरीद की बात करें तो जिले में विभिन्न पदों के लिए कुल 88 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है, जिसमें किस्को प्रखंड के लिए कुल 60 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है, जबकि किस्को प्रखंड में पंचायत समिति के 4 मुखिया पद के लिए 1, वार्ड संख्या पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। वहीं पेशरार प्रखंड के लिए विभिन्न पदों के लिए 28 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है, जबकि पेशरार प्रखंड में तीसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। मैं किस्को प्रखंड अंजू कुमारी के नाम से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन करने जा रही हूँ। मेरा विशेष मुद्दा है जन मुद्दा, जनताओं की सेवा करना। मैं एक शुरू से आज 16-17 साल हो गई मैं समाज सेवा में हूँ। राष्ट्रीय पार्टी में रहकर मैं समाज सेवा की हूँ। आदरणीय कमल किशोर भगत आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके सपनों को, उनके उद्देश्यों को मैं जनता तक लेके जाना चाहती हूँ। जनताओं से अपेक्षा भी करती हूँ कि वे उनके उद्देश्यों को मुझे जिंदा रखने के लिए मुझे जगह में लाएं, जिला परिषद का सदस्य बनाएं। मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ और जनताओं का सेवा करूँगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।